उसका एक महीने के लिए बोला कि इससे एक महीने बाद दूसरे देंगे। जब तक आते दूसरे का ट्रांसफर पेपर नहीं भेजे बेचारे के पास, जूनियर जज पर सब दबा देते हैं सीनियर जज, और ऊपर कोर्ट में भी नहीं किया। अपने कमरे में छुट्टी वाले वो दिन आया था, उसके अकेले में साइन करा लिए और उसके बाद भी ऑर्डर मेरे फेवर में था क्योंकि इतना दमदार थी बात। लेकिन उन्होंने प्रेशर डाल के बदमाशी करके सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मोड़ तोड़ के जिससे कोई लेना देना नहीं उससे 30 पेज का ऑर्डर निकाल दिया और ना उसमें फोर्सिबल एविक्शन की बात की, जबरदस्ती हाथ घर खाली कराया, उसके फोटो वीडियो नहीं देते जिसके लिए उनको अरेस्ट होना चाहिए, जज ने सुना क्यों। और ये 2 पेज का वो लेटर भी सुना दूंगा कलप से, मेरा चार्ज क्या है उससे अप्लाई करने के उसकी फैमिली की संपत्ति में लिखा है। और ऐसा करप्ट ऑर्डर जो जज पास करता है तो गलती से बाई मिस्टेक किए हुआ ऑर्डर नहीं मान सकते इसको, गलती से बाई मिस्टेक करते जज तो हम उसको माफ कर देते हैं। पहले भी किया आपने एक गलती, कुछ गलती करती थी उसके ऑर्डर को विस्तृत करके इन्होंने ये एडमिशन करवा दिया, बाद में जज ने माफी मांगी, पेटिशन एडमिट करके इसको सुपर नोट इशू कर दिए रूल लिखी 16 को सीएम प्रेजिडेंट सीबीआई डायरेक्टर सीबीसी 24 टोटल अथॉरिटी। तो उस जज की महानता है जो अपनी गलती पाल लेता है, और जो जज बदमाशी करता है करप्शन करता है और बोलता गलती हो गई है तुम्हारे एडवोकेट मिल गए थे मेरे को बेवकूफ बता दिया, तो ऑर्डर तो पास हो गया अभी तुम रिव्यू कर लो हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी कर दो। तो मैंने एडवोकेट को बदमाश से लाखों रूपये खा के हटा दिया, उनको सामने आ गया। तो मैंने कहा ये लॉ में प्रोविजन है कि ये नॉर्मल कोर्स में जब बात होती है एक ऑर्डर पास हो गया तो अपने सेट चले जाओ, लेकिन बदमाशी डिटिंग गौर से ऑर्डर पास होता है तो लॉ में प्रोविजन है कि ऑर्डर वापस लेना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा। ये नहीं बोल सकता जज रिव्यू करना, अरे व्यू नहीं हुआ था रिव्यू किस बात का, बेवकूफ पर तो नहीं कोई भी। तो हर स्टेट में बदमाशी चीटिंग हो जाएगी और बोलोगे आगे बढ़ जाओ और तो ऐसा भी कर लो वहां को लड्डू तो फिर भेजा, क्योंकि जो पहला कोर्ट होता है ऑर्डर वहां से लेना पड़ता है, जो रिव्यू या अपील वाले कोर्ट होते हैं उसमें कुछ लड्डू नहीं रखे होते, बोलते ऐसे एक तो देख लिया है ना वो बेवकूफ थोड़े सा बहाना बना देते हैं। पढ़ने का टाइम जब फर्स्ट कोर्ट होता है उसके पास टाइम होता है, और जानबूझ के ये ब्यूरोक्रेट आईएएस आईपीएस वालों ने हमको डाल रखा है डिविजन टाइप के ऊपर, पेपर पढ़ने का टाइम नहीं जज के पास, दो जज के पास हाईकोर्ट अपने लिए रखे ट्राइब्यूनल टाइम एंड टाइम है जज के पास एक्सपर्ट है सर्विस मटर का, वहां बदमाशी नहीं होती है और सी प्लांट रूल रेगुलेशन सी प्रोसीजर कोर्ट सुप्रीम प्रोसीजर कोर्ट नहीं लगते हैं, लॉ एविडेंस नहीं लगता है, नेशनल जस्टिस लॉ फ्रेचुअल जस्टिस लगता है, मतलब तुम्हारी कॉमन सेंस में आता ऑर्डर करते हो तो ऑर्डर फेयर ऑर्डर होता है। वही लोकपाल में होता है ऐसे ही लोग लोकपाल फटाफट डिसीजन देते, क्यों चीफ मिनिस्टर बोलता है मिनिस्टर बोलता कर रहा है लोकायुक्त जरा देख लो उसको 2 दिन में उसका चार्जशीट रिव्यू होती है बोलते घर खाली करो जाओ, तो ऐसी होती है फालतू इंक्वायरी और मिनिस्टर भी छोड़ देते हैं पार्टी, जो अंडर प्रेशर होती है पार्टी हट के और उनको मालूम है बाहर आ जाएंगे फिर अंदर घुसेंगे, क्यों बाहर से भी रिमोट कंट्रोल कर लेते हैं आम आदमी नहीं कर सकता, तो इनका नुकसान आम आदमी को होता है। मिनिस्टर को अभी एक मिनिस्टर था हिमाचल प्रदेश में दूरपात्र उसके एड्रेस में कुछ चार्ज ठोक दिए बोला जाओ, अरे अभी उसका फाइनल ऑर्डर हुआ नहीं है और जाओ, वो भी चल रहा रहता है बाहर, उसको मालूम है बाहर से भी मैं कंट्रोल कर लूंगा बाद में अंदर आ जाऊंगा, नाम भी साफ साफ होगा और अंदर तो आना ही आना। तो ये बात है, तो बोलते हैं राजा जो है उसने करोड़ों रुपए खाए, तो मेरे में बंद था
लेकिन उसने एक अच्छा काम भी किया था कि अगर ये मोबाइल कंपनियों को खुला छोड़ देते तो आप एक काल का कर्ज 10 रुपये करने पड़ते आपको, उसकी वजह से आप 1-1 रुपये में 50 पैसे में मोबाइल फोन पे बात कर पा रहे हो। तो उसने जो बदमाशियां की वो भी है, लेकिन उसका कुछ लगभग तो देखो भाई ये रहा। दूसरा ये जो अभी बात कर रहा था थोड़ी सी लाइट करना है यहाँ पे मोमबत्तियां भी लेके आने की, जैसे कुछ चमक रही है मोमबत्तियां वहां पे। तो मैं वो जो हाईकोर्ट ने छोका छोटे किस किस को इश्यू किया वो बताने जा रहा हूँ। 7:20 है, 7:20 कोई बात नहीं यार, हम यहाँ पे कर्ज के कई अरब करोड़ बता रहे हैं, हमारे साथियों को भी ध्यान देना चाहिए। तो छोका छोटी 16 और 34 को है सीबीआई एक्टर सीबीसी सीएसए पहले पीएम प्रेजिडेंट पुलिस कमिश्नर बॉम्बे कैबिनेट सेक्रेटरी इनको भी था प्रेशर डाल के इन्होंने हटा दिया, लेकिन इनडायरेक्टली अभी भी पार्टी है वो, ऐसा नहीं कि पार्टी नहीं है उनके, वो भी जिम्मेवार है। 24 अथॉरिटीज को छोका छोटी हुआ और कुछ जो कुछ उसमें जो अफसर थे करोड़ों रुपए खा गए, सीबीआई इंक्वायरी से 7-7 वर्ष चले सस्पेंड हो गए, एक महीने बाद वापस भी आ गए, छोटा मोटा लेटर देके मिली भगत करके छोड़ दिया। और जो अप्लाई की सिंपथी में लिख रहा है वो लेटर मेरा इंटरनेट पे है, क्योंकि समय कम है और लाइट कम है अभी दिखाना नहीं चाह रहा हूं मैं। तो ये क्रिमिनल मैटर और सिविल मैटर में इतनी बदमाशी है, अरे भाई किसी का जॉब ले लोगे तो मर्डर जो नंबर है जांच उससे प्रोपोर्शनल जो होती है, थप्पड़ मारने में फांसी नहीं होती है। तो किसी का जॉब ले लोगे, कोई बेचारा क्लास 4 एम्प्लॉई है अफसर को देखे स्कूल से खड़ा नहीं हुआ, 50 रिजल्ट होंगे तभी सीखने कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और सुप्रीम कोर्ट कहता अच्छा क्या एडमिट किया और मीडिया चुप करके खड़ा रहता है, तो मीडिया की हेराफेरी है। तो मैं छोटी मोटी बात की क्योंकि चार्ज पेनल्टी फिक्स नहीं है, बड़े बड़े जो करोड़ों के पैसा सीबीआई इंक्वायरी चल रही पैसे खा गया गवर्नमेंट को मिले नहीं, उसका छोटा मोटा लेटर लेकर छोड़ दो बॉडी। और जिसने अपने एम्प्लॉयर की सिंपैथी में कुछ बोल दिया उसको रिमूव कर दोगे क्या? ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सारे बेवकूफ थे क्या? इनको भेजा था लेकिन इनके पीए के पास पढ़ने का टाइम नहीं है, फिर उनके पास कहा जाएगा।